वेलकम बैक, आउटराइट टेक चैनल पर आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक थोड़ी सी डिफरेंट चीज, एक छोटे से टूल की अनबॉक्सिंग और एक उसका क्विक रिव्यू, किस तरह से उसको यूज करना है। और जो प्रोडक्ट ये है एडोफिस का गोरिल्ला ट्राइपॉड। अब गोरिल्ला ट्राइपॉड होता क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये भी एक तरह का छोटा ट्राइपॉड है और इस ट्राइपॉड को हम अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंगली रफ सिचुएशंस में या फिर कहीं उबड़ खाबड़ जगह पे, तो वहाँ पर भी इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। और भी बहुत सारे यूज़ केसेस हैं। एडोफिस के इस ट्राइपॉड के साथ, गोरिल्ला पॉड के साथ, हमको मिलता है एक गोरिल्ला पॉड और साथ में मिलता है एक ये फ़ोन होल्डर। लेकिन मैंने इसके अलावा एक और एक्स्ट्रा फ़ोन होल्डर भी मंगाया। आपको अभी जल्दी बताता हूँ क्यों मेरे को मंगाना पड़ा वो। इस ट्राइपॉड की लेंथ कोई 12 इंचेस है और इसको हम अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंगली अडाप्ट कर सकते हैं। ऐसे ये यूज़ तो कर ही पाएंगे इसको हम। इसके अलावा आप देख सकते हैं, इसको मैं ऐसे भी मोड़ सकता हूँ, ऐसे भी मोड़ सकता हूँ, ऐसे भी मोड़ सकता हूँ और काफ़ी अच्छी तरह से कंडीशंस के अकॉर्डिंगली हम इसको अडाप्ट कर सकते हैं यूज़ करने के लिए। इसके साथ हमको मिलता है एक ये 360 डिग्री रोटेट करने के लिए इसकी बॉल, ताकि हम इस पर जो भी माउंट करेंगे, जैसे कि ये वाला या फिर जो मैंने मंगाया है एक ये वाला फ़ोन माउंट। और ये वाला फ़ोन माउंट मंगाने का पर्पज़ मेरा क्या था वो मैं आपको बता देता हूँ। हिफिन्स कंपनी का ये फ़ोन माउंट है और ये कोई 150 रुपये के आसपास इसका प्राइस था मैंने जो मंगाया है अमेज़ॉन से। अब आप देखिए इन दोनों माउंट्स में क्या डिफरेंस आपको नज़र आता है। इन दोनों को अगर मैं आपको करीब से दिखाऊं, तो यहाँ पर इस वाले में जो कि गोरिल्ला पॉड के साथ फ्री आया है, इसको माउंट करने के लिए हमें नीचे एक यहाँ पर होल दिया गया है। सिमिलरली इसमें भी है नीचे, लेकिन अगर टॉप साइड पे आप देखें तो जो मेरे को फ्री में मिला है गोरिल्ला पॉड के साथ, उसके ऊपर कोई माउंट करने के लिए, कैमरा या माइक माउंट करने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन इस वाले के ऊपर हमें जगह मिल जाती है जिसमें हम अपना माइक्रोफोन माउंट कर सकते हैं। इसको कोल्ड शू भी बोलते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ इसको कैसे कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास ये बोया का एक माइक्रोफोन है, इसको मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से माउंट कर सकता हूँ। और जब ये ऐसे माउंट हो जाएगा, इसको मैं अगर वापस अपने फ़ोन के ऊपर या कैमरे के ऊपर लगाकर कुछ इस तरह से इजीली यूज़ कर पाऊँगा अपनी व्लॉगिंग करने के लिए या कुछ भी करने के लिए, वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। तो ये इसका पर्पज़ है, इसलिए मेरे को ये अलग से मंगाना पड़ा। इसको हम कुछ इस तरह से बैंड करके भी यूज़ कर सकते हैं और इसके टॉप पर हमारा कैमरा या फिर माउंट माइक के साथ इस तरह से आ जाएगा। और इसके अलावा इसके कुछ और यूज़ केसेस काफ़ी इंटरेस्टिंग से हैं, वो मैं आपको भी दिखाता हूँ। अब मैं एक ओपन जगह पर आ गया हूँ, पार्क में आ गया हूँ। और यहाँ पर ग्रास पर जैसे थोड़ी इवन सरफेस नहीं होती, उबड़ खाबड़ होती है, और इस ग्रास पर भी अगर मैं माउंट करके कुछ इसको यूज़ करना चाहता हूँ तो कुछ इस तरह से यूज़ कर सकेंगे। आपको भी दिखा दूँ। अब मान लीजिए कुछ इस तरह की सिचुएशन हो जाती है कि हम किसी ऐसे जंगल जैसी लोकेशन पर हैं, कोई पेड़ है और ट्राइपॉड को माउंट करने के लिए वहाँ में कोई जगह नहीं दिख रही है, बट स्टिल वी वॉन्ट टू कैप्चर दैट मोमेंट। तो जैसे कि ये डाली आपको दिख रही है यहाँ पर, इसको हम ले जा सकते हैं ऐसे और इसको कुछ इस तरह से यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे और अपने फ़ोन को माउंट करके कुछ इस तरह से यहाँ पर भी वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। और नॉर्मली इस तरह की व्लॉगिंग हम बहुत ही आराम से कर सकते हैं। इसको अपनी नीड के अकॉर्डिंगली इसको बेंड कर सकते हैं और पकड़कर इजीली हम व्लॉग कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इस छोटे से प्रोडक्ट की एक क्विक अनबॉक्सिंग और रिव्यू आपको अच्छा लगा होगा। कुछ एक यूज़ केसेस मैंने कवर करने की कोशिश करी है, किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे यूज़ केसेस हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो थम्स अप दे दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। कमेंट्स में लिखकर बताइए आपकी फीडबैक और मेरे व्लॉग चैनल एबी ट्रैवलॉग्स को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। जरूर उसको चेकआउट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे जल्दी की नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय।